हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो जो हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ वालों के लिए, दोस्तों टेंथ बोर्ड छात्रों के लिए, जो भी छात्र मैट्रिक के हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने चाहते हैं उन सभी छात्रों और छात्राओं के लिए दोस्तों, सोशल साइंस का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक एक वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों स्टार स्टडी क्लास टेंथ वालों के लिए ऑफिशियली चैनल है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम न्यू पैटर्न पर, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं आप अपने मोबाइल पे दोस्तों, तो ये वेबसाइट आप लोगों को दिख रहा होगा starkstudy.com, गूगल पे लिखे या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो starkstudy.com, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग को इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग खंड अ की बात करेंगे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। कभी और किसी और वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे, और आप लोग को आज से रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित तो बहु विकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुने, 40x1 मतलब 40 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है आप लोग को सोशल साइंस में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी दोस्तों, ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, आप लोगों को पता ही होगा, जिसको हम लोग रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था रूस में बोल्शेविक क्रांति या फिर रूसी क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे, मतलब भारत में भी सबसे पहले कौन व्यापारी आए थे दोस्तों, तो पुर्तगाली ही थे। और वास्को डिगामा जो भारत की खोज किया था वो कहाँ गए थे? तो वो पूरी पुर्तगाल के ही रहने वाले थे, इसलिए हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी या फिर प्रथम व्यक्ति जो था वो पुर्तगाली को ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया थर्ड नंबर कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, मतलब इसका निर्णय लिया गया दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, 2 सालों तक असहयोग आंदोलन चला था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 1922 ईस्वी के बीच, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कब, किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो पारित हुआ था दोस्तों सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना, कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में ये असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था, ठीक है ना। तो सितंबर 1920 से 2022 तक ये असहयोग आंदोलन चला था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे, सितंबर 1920। अगला प्रश्न देखते हैं, चार नंबर। कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये किया था 1925 ईस्वी में के बी हेड गेवार। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, चार का बी। पांच नंबर है दोस्तों कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो 1918 ईस्वी में दोस्तों वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पाँच का सी पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? काफ़ी सारे वर्ग थे दोस्तों सामाजिक वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था उस समय, इतिहास की बात हो रही ना, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति, श्रमिक या फिर मध्यम वर्ग। ये जो था दोस्तों मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 6 का मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग? तो मध्यम सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। 7 नंबर है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेशम मार्ग से, है ना, रेशम मार्ग से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो आर्थिक संकट के कारण दोस्तों फासीवादी नाजीवादी शासन का जो है यहाँ पे उदय हुआ था आर्थिक संकट के कारण यूरोप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहा गया किस पत्र ने रातों रात
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। किस तरह का पत्र? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या फिर हिंदुस्तान रिव्यू? तो नौ का सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 10 नंबर देखते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये इतिहास का सॉरी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी शानदार क्वेश्चन सही है ना। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने, है ना, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है 11 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ज्योग्राफी भूगोल का क्वेश्चन है। तो सोपानी कृषि जो है दोस्तों वो प्रचलित है आपका किस में? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, पहाड़ों पे होती है सोपानी कृषि। अगला है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो है दोस्तों 70% से अधिक जो है जल की ही मात्रा होती है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 से 70 होता है दोस्तों। कभी कभी आपको 70 भी देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 65 भी देखने को मिलेगा। आप लोग 65 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक ना। 65% जो है जल की मात्रा होती है प्राणियों के शरीर में, डी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 65। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है दोस्तों 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है दोस्तों, कहा गया है ये वन से ही रिपोर्टेड क्वेश्चन है रिलेटेड, कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में, 1948 की बात हो रही है। अब तो बहुत कम हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे वृक्षों और वनों की जो कटाई होती जा रही है ना, 1948 की बात हो रही है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 400 करोड़ हेक्टेयर में जो है वन का विस्तार था भूमि पर। अगला है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो एक टन इस्पात बनाने में दोस्तों जो उपयोग होता है वो होता है 10 किलोग्राम मैगजीन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, कहा गया कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है दोस्तों एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासाइट। इसमें 90% दोस्तों यहाँ पे कार्बन की मात्रा होती है ना, उसको सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग की अगर बात करें दोस्तों, तो उपभोक्ता है ना, ये चीनी उद्योग है जिसको हम लोग उपभोक्ता के रूप में भी करते हैं, मतलब खाने पीने के रूप में, और ये सारे नहीं खाते पीते। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे 17 का। 18 है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन जो हुआ था, यह हुआ था दोस्तों आपको 1986 ईस्वी में, ठीक है ना। पायराइट किस प्रकार के खनिज है? पायराइट, तो पायराइट जो दोस्तों खनिज जो है ये धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे धात्विक। 20 नंबर है दोस्तों कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी है दोस्तों ये हो जाएगा आपको 10.5%। क्या हो जाएगा? 10.5%। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है लगभग, ठीक है ना। 22 नंबर है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है दोस्तों ये आधारित है आपका एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पर ही आधारित है ना सांप्रदायिक राजनीति। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, सांप्रदायिक राजनीति जो यहाँ पे बोलते हैं ना, हिंदू दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस तरीके की जो धारणा पर आधारित होती है ना उसको हम लोग सांप्रदायिक राजनीति बोलते हैं। अगला संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार जहाँ पे होती है उस मतलब कौन से देश में है संघ सरकार? तो ये है दोस्तों आपको अमेरिका में, अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगला देश दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम लोग, कहा गया कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था?
24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा, जो आपको 1970 के दशक से, ठीक है ना। 25 नंबर देखते हैं, कहा गया कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ बचाने से संबंधित है, तो 25 का ए हो जाएगा। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, तो तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 का। 27 से दोस्तों यहाँ पे कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो राजनीतिक दलों की जो नींव है दोस्तों सर्वप्रथम जो किस देश में हुई थी वो हुआ था आपको ग्रेट ब्रिटेन में, है ना। ग्रेट ब्रिटेन मतलब अभी इंग्लैंड की बात हो रही है। अगला है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो गठबंधन जिसमें बहुत सारे दल जो है मिलके करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का, जिसको हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल नहीं की बात अगर होगी दोस्तों वो हो जाएगा आपको कौन सा बताओ, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, तो ये है दोस्तों आपका लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा जो है दोस्तों ये आपका क्षेत्रीय पार्टी है ना, राज्य पार्टी है, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 31 है कि इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य की अगर बात करें तो बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है दोस्तों वो सेबी है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो संस्थागत वित्त का जो साधन है दोस्तों वो है आपका व्यावसायिक बैंक, फाइनेंशियल बैंक, ठीक है ना। अगला है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला यहाँ पे कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटक का, बीमारू, ठीक है ना। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, ये सारे क्या है दोस्तों आपका बीमारू राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये सारे क्या है आपका बीमारू राज्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होते हैं वो है दोस्तों आपको 5, ठीक है ना। 35 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों बीमारू राज्य, उसमें से कर्नाटक जो है ये नहीं है, बाकी सारे बीमारू राज्य में आते हैं। अगला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो हुआ था दोस्तों आपको 1986 में। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो ये हॉलमार्क, किसका, तो हॉलमार्क का, तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 39 है दोस्तों, कहा गया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदी की तली में अवसाद का जमा होना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, जहाँ पे काफ़ी सारे भूकंप आते रहते हैं वहाँ पे आयताकार भवन बनानी होनी चाहिए, ठीक है, तब भूकंप से कुछ दुर्घटना या कुछ घटना नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के सोशल साइंस क्लास 10th वालों के लिए था। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।